फ्रेंड्स आज हम आए हुए हैं पार्क में, तो यहाँ पर हम आज फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे वर्कआउट, और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इन मशीन्स के बारे में, कि इनकी रेटिंग देंगे इनको और देखेंगे कि क्या ये मशीन्स अच्छे से वर्क करती है या फिर नहीं। तो एक एक करके सब मशीन्स को ट्राई करते हैं और बताएंगे। सबसे पहले ये मशीन ट्राई करते हैं। इस मशीन में नाम वगैरह तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ट्राई करके देखते हैं कि कौन से मसल को ये हिट करती है। तो गाइस ये मशीन आपकी मिड बैक को हिट कर रही है और इसमें वेट काफ़ी कम है, तो आपका मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो बाकी ये मशीन काफ़ी अच्छी लगी। तो अब सेकंड मशीन ये है, ये मेरे को बाईसाइकिल लग रहा है, इसको करके देखते हैं। जो ये वाली मशीन है, इस मशीन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें ना चेन वगैरह और पैडल बिल्कुल ही फ्री है, और जो इसकी सीट है वो भी कुशनिंग नहीं है बिल्कुल, ये मेटल की सीट बनाई हुई है। तो मैं बोलूँगा कि इस मशीन को आप करना रहने देना, इससे अच्छा आप यहाँ पर पार्क में कार्डियो वगैरह कर लेना, क्योंकि ये मशीन मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब थर्ड ये मशीन देखते हैं कि ये क्या काम करेगी। सिंपली बने हुए हैं, इस पर फुट स्टेप्स चढ़ के देखते हैं इस पर। ये मशीन मेरे को इलिप्टिकल कम थोड़ी क्वार्ट्स पे भी इफेक्ट कर रही है, तो ये मशीन मेरे को काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें आप कार्डियो भी कर लोगे एज ए इलिप्टिकल, और साथ ही साथ ये अगर आप इसमें 30-40 रैप्स मारोगे तो आपके जो क्वार्ड है वो भी अच्छे से पंप हो जाएंगे। तो ये मशीन सबसे मेरे को अच्छी लगी। अब ये फोर्थ मशीन देखते हैं इसमें किस तरह से करना है। ये तो आई थिंक डिप्स के लिए बनी है बाहर। तो जो ये मशीन है ये डिप्स के लिए मेरे को बाहर लग रहा है, लेकिन ये बाहर काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन तब भी इस पर आप चेस्ट डिप्स या फिर ट्राइसेप डिप्स परफॉर्म कर सकते हो। और जो ये पेंडुलम टाइप बना हुआ है ये थोड़ा बहुत मेरे साइड्स पे आ रहा है, तो ये मशीन भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी साइड्स के लिए और डिप्स के लिए, या फिर आप ट्राइसेप चेस्ट में हिट कर सकते हो। अब ये फिफ्थ मशीन चेक करते हैं। ये मेरे को आई थिंक लग रही है शोल्डर्स के लिए लग रही है, सिंपली ऐसे पकड़ के। तो ये मशीन वही है जैसे आप जिम में शोल्डर के लिए सामने प्लेट रख के फ्रंट डेल्ट के लिए मशीन एक्सेस लगाते हो, उसी तरह से लग रही है। थोड़ा बस लाइट वेट है तो इसमें रैप्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये भी मशीन काफ़ी अच्छी है शोल्डर्स के लिए। अब ये सिक्स्थ मशीन है, इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी। ऐसे लग रहा है मेरे को तो। गाइस जो ये मशीन है, ये मशीन काफ़ी डेंजरस है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि ये एज ए इलिप्टिकली लग रही है मेरे को, लेकिन काफ़ी फास्ट मूव कर रही है, बिल्कुल ये फ्री हो गए हुए हैं, और इस पर चढ़ने का बहुत रिस्क है। आप सपोज इस तरह से इस पर चढ़ोगे इसको पकड़ के, तो एक बिल्कुल आगे पहुँच जाएगी फिर वापस दूसरे बैठना, तो ये काफ़ी डेंजरस मशीन है, इसको मत ही करना। नेक्स्ट मशीन ये है, ये जैसे कि आपको पता ही होगा हर जिम में होता है, ये सिंपली ये ट्विस्टर है, तो ये हर जिम में होता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, मशीन देखते हैं। ये मेरे को ऐप की मशीन लग रही है, इस तरह से रखेंगे ये। इसमें आप सिंपली क्रंचेस लगा सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट है, इसके बीच में गैप है, तो जब आप इस पर बैठोगे आपको यहाँ पर पेन होगी, बिल्कुल प्लेन नहीं है, लेकिन तब भी इस पर आप क्रंचेस वगैरह लगा सकते हो तो ये आपकी ऐप्स हिट कर लेगी।
सो जैसे कि आपने देखा कि मैंने सारी मशीन्स यहाँ परफॉर्म की है, तो इसमें कुछ मशीन्स काफ़ी अच्छी थी और कुछ मशीन्स मेरे को काफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो ये है कि अगर आप जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जिम की आप फीस नहीं दे सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप एज्ड हो, जिम नहीं जाते हो, तो आप यहाँ पर पार्क में आकर कार्डियो वगैरह, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और इन सब मशीन्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट टाइम मैंने पार्क में ट्राई की किस तरह से मशीन्स होती हैं और किस तरह से ये वर्क करती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।